हम जो 1.1 में सेकंड टॉपिक है हमारा, 1.1 में हम देख रहे थे कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट लेक्चर में हमने देखा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आज हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में दो मेजर पार्ट हम देखेंगे, एक देखेंगे हम फीचर्स विशेषताएँ, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे ब्रिटिश कैबिनेट। तो आज जब हम देखेंगे वो फीचर्स होंगे, विशेषताएँ होंगे। तो विशेषताएँ देखने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि पहला सवाल तो ये है कि जिसका हम कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, जिसका हम संविधान देखने वाले हैं, वो देश है कौन सा एक्चुअली? क्या यूनाइटेड किंगडम है, क्या ब्रिटेन है, क्या स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, क्या है? तो इसको हम शुरू करते हैं। तो जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यूनाइटेड किंगडम का है ना। तो यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आता है ये हम देख लेते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में आता है इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। तो इंग्लैंड को वेल्स ने ज्वाइन किया 1535 में, 1535 में, और उसके बाद 1707 में स्कॉटलैंड ने उसको ज्वाइन किया, और ये तीनों मिलके बने ग्रेट ब्रिटेन। इन तीनों के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ग्रेट ब्रिटेन। बाद में ये ग्रेट ब्रिटेन से नदर्न आयरलैंड, देखिए नदर्न आयरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नदर्न आयरलैंड इसलिए समझना क्योंकि सदर्न आयरलैंड भी है, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ अगर हम देखें ध्यान से, तो आप देखिए यहाँ पे ये ब्रिटेन है, ठीक है। ये ब्रिटेन में ये ग्रीन कलर का ब्रिटेन दिख रहा है, ये देखिए ये यूनाइटेड किंगडम है एक्चुअली, ठीक है। ये ऊपर वाला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको नदर्न आयरलैंड बोलते हैं। ये येलोइश कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे आयरलैंड लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में सदर्न आयरलैंड है, इसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी कहते हैं। तो सदर्न आयरलैंड को छोड़ के जो पार्ट है वो नदर्न आयरलैंड कहलाता है। तो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड, तो नदर्न आयरलैंड ने इसे ज्वाइन किया 1921 में, और ये सभी को मिला के हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंग्लैंड से वेल्स जुड़ा 1535 में, 1535 में स्कॉटलैंड जुड़ा 1707 में, और ये तीनों मिलके बने ग्रेट ब्रिटेन। इन तीनों से 1921 में नदर्न आयरलैंड मिला, और इन तीनों, इन चारों को मिलके बनता है यूनाइटेड किंगडम। और हम इसी के संविधान, इसी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगली चीज़ देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे पुराना लोकतंत्र हम अमेरिका को मानते हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है। दूसरा, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान की जननी है, मतलब यहीं से संविधान की शुरुआत हुई है, ठीक है। और ये क्या है, ब्लेंड है। ब्लेंड किसका, एरिस्टोक्रेसी का, डेमोक्रेसी का और मोनार्की का। ब्लेंड मतलब मिश्रण है, किसका मिश्रण है, एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र का, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का, मोनार्की मतलब राजतंत्र का, ठीक है। तो ये तंत्र अलग अलग हमें इस पॉलिटिकल सिस्टम में अलग अलग जगह दिखते हैं, जैसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है उसमें एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट है, जो हम आगे देखेंगे, कुलीन तंत्र दिखता है हमके, ठीक है। डेमोक्रेसी कहाँ पे दिखती है हमें, हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है। और मोनार्की हमें कहाँ दिखती, मोनार्की क्राउन के रूप में हमें दिखती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो है ये सारा की सारा हमने देख लिया कि किसके संविधान की बात कर रहे हैं हम, और दूसरा उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हम फीचर्स देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, तो विशेषता हम देखते हैं। तो विशेषता, सबसे पहली जो विशेषता है वो है ये कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान है, मतलब ये लिखित नहीं है। अगर लिखित नहीं है तो फिर आप कैसे इसको संविधान कह सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें इससे कहाँ से आएगा कि भाई हमें ये फॉलो करना है या ये फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो हम उस पर देखेंगे उसके बेसिक सोर्सेस क्या है, किसे हमें मानना है। उसके पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ये इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है, इनैक्ट नहीं हुआ, एक दिन में नहीं बना। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, उसे एक बार में बना दिया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान एक बार में बना दिया, ये इवॉल्व हुआ कई सालों में, ये क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ, ठीक है। 1215 से शुरू होते होते इवॉल्व हुआ। फिर ये क्या है, स्टैटिक है, सॉरी स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, ठीक है। इसका मतलब ये स्थिर नहीं है, गतिशील है, मतलब आप ये परिवर्तनीय है, आप इसे क्या करते जाते हो, परिवर्तनीय है, आप इसे क्या करते जाते हो, बदलते जाते हो धीरे धीरे, ठीक है। फिर और क्या चीज़ें हैं इसमें, और चीज़ें हैं कि ये किसका कॉम्बिनेशन है, किन से मिल के बना है। मैंने आपको बताया कि अगर रिटर्न नहीं है, लिखित नहीं है, तो कई सोर्स में कई जगहें हैं, तो किन से मिलकर लिख के बनाए, लॉ से, प्रेसिडेंट से, कस्टम से या ट्रेडिशन से, ठीक है। ऐसी कई चीज़ों से मिलकर बना, मतलब कानूनों से बनी हुई है, परंपराओं से बनी हुई है, ठीक है। तो वो उनके सबके हम सोर्सेज देखते हैं। तो हम पहला सोर्स देखते हैं कन्वेंशंस,
तो क्या है, एक तो ये पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, क्या है ये राजनीतिक परंपराएं हैं, ठीक है। ये इसकी बैकिंग कहीं भी कोर्ट में नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमारे यहां जा सकते हैं कोर्ट में, कई मामलों में कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे कोर्ट में नहीं जा सकते आप, इसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। ये किससे बैकिंग मिलती है, इसको पब्लिक ओपिनियन से। आप कुछ लिख लीजिए, ठीक है, एग्जांपल लिख लो आप इसके, ठीक है, वेल नोन कन्वेंशंस, ठीक है, महत्वपूर्ण परंपराएं लिख लो आप लोग। तो पहले लिखिए किंग एक्साइज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, किंग एक्साइज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। हिंदी वाले लिखिए राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट की सलाह पर करता है, राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट की सलाह पर करता है। दूसरा लिखिए किंग शुड गिव हिज एसेंट टू ऑल बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट, किंग शुड गिव एसेंट टू ऑल बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट। हिंदी वाले लिखिए राजा को संसद द्वारा पारित विधेयकों को सहमति देनी होगी, विधेयकों को सहमति देनी होगी, ठीक है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल है कि भाई एडवाइस, ठीक है ना, किंग को एडवाइस देने के लिए कौन है, एडवाइस देने के लिए कौन है, ठीक है, ये कंपल्सरी एडवाइस है, ये बाध्यकारी है। और दूसरा किंग को क्या करना है, सहमति देना है, किस पे, बिल्स पर, सारे बिल्स पर क्या देना है, सहमति देना है, ठीक है। अब इस पे कहीं लिखित में नहीं हुआ कि ये करना ही करना है, ये क्या हुआ है, समय के साथ होता चला गया, परंपरा बन गई। एक समय ऐसा आया कि किंग ने कभी मना ही नहीं किया, तो ये मान दिया गया कि किंग कभी भी मना नहीं कर सकते। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि आपको ये नहीं करना है, ये क्या हो गया, समय के साथ विकास हुआ इस चीज का, ठीक है। तो पहली चीज है क्या, कन्वेंशन, क्या है पहली चीज, कन्वेंशन, ठीक है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला सोर्स है कन्वेंशन। दूसरा लिखिए, दूसरा तो हमने सुना भी है, जिसको बोलते हैं ग्रेट चार्टर, महान घोषणा पत्र, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है ग्रेट चार्टर, महान घोषणा पत्र। एक महान घोषणा पत्र तो हमने सुना ही है, क्या है वो सर, मैग्ना कार्टा, बिल्कुल सबसे पहला, तो लिखते हैं अपन। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर्स, इन्हें संवैधानिक घोषणा पत्र भी कहते हैं, इन्हें संवैधानिक घोषणा पत्र भी कहते हैं। दे आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, यह ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इन्हें क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चार्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये आप कह सकते हैं ये बेसिस हैं जिनसे शुरुआत हुआ है सारा की सारा, ठीक है। ग्रेट चार्टर जो होते हैं, महान घोषणा पत्र यहीं से शुरू हुआ पहला, तो महान मैग्ना कार्टा सुना होगा आपने, ठीक है। फिर दूसरा क्या है इसमें, ठीक है, ऐतिहासिक है ये, ठीक है। आपको मैं डेट बताऊंगा ना तो आप कहोगे सर ये डेट पढ़ी हमने, तीन डेट मैं आपको बताऊंगा, दो तो आपने पढ़ी ही पढ़ी है, ठीक है। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है।
तो एग्जाम्पल लिख लो आप लोग चाहो तो, ठीक है, या इंपॉर्टेंट वन लिख लो, महत्वपूर्ण। तो पहला लिखिए मैग्ना कार्टा, 1215 में, 1215 में मैग्ना कार्टा आया था, लिख लो। फिर दूसरा आया था पेटिशन ऑफ राइट्स, दूसरा लिख लो पेटिशन ऑफ राइट्स, हिंदी में भी पेटिशन ऑफ राइट्स है, ठीक है। 1628, 1628 में आया था ये, 1628 में आया था। और तीसरा लिख लो, ये भी सुना होगा आपने, बिल ऑफ राइट्स, 1689 में आया था, बिल ऑफ राइट्स 1689 में आया था, ये पढ़ा हमने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट वन तो कौन कौन सा, एक तो है मैग्ना कार्टा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ही उसका मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब ही लैटिन में होता है महान घोषणा पत्र, ठीक है। तो ये कब आया था मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा आया था 1215 में, ठीक है। दूसरा क्या है, पेटिशन ऑफ, ये कब आया था, 1600, ठीक है। और तीसरा तो हमने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, पढ़ाई ये पढ़ चुके हम लोग, है ना, ये नई चीज नहीं है बता रहा हूं मैं। फिर क्या है तीसरा, बिल ऑफ, ये कब आया, कब आया, ठीक है ना, गौरवशाली क्रांति के बाद आया था, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद आया था, ये पढ़ चुके हम, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन मैंने बताया आपको एक बार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट लिखिए सी, है ना, तीसरा सोर्स लिखिए। तो सी है स्टेच्यूस, विधान, स्टेच्यूस मतलब होते कानून, विधान, स्टेच्यूटरी, सुना क्या, वैधानिक। तो तीसरा है स्टेच्यूस, विधान, ठीक है। देखिए मैं दो सोर्स यूज करूंगा, एक कॉमन लॉ, है ना, तो लॉ का लेना देना जुडिशरी से रहेगा, स्टेच्यूस का लेना देना पार्लियामेंट से रहेगा, ठीक है। अब मुझे यहां दो शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, एक विधान कहूंगा मैं, तो विधान जब मैं कहूंगा तो किसकी बात करूंगा, संसद की, ठीक है, अधिनियम भी कह सकता हूं उसको मैं, ठीक है। लेकिन जब कानून कहूंगा, ठीक है, तो किसकी बात करूंगा, न्यायपालिका की, मतलब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो तीसरा क्या है, ठीक है, विधान, स्टेच्यूस, है ना। तो लिखिए इस पे, दीस आर लॉस मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, दीस आर लॉस मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम, यह है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, या यह ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर पारित होने वाले कानून है, यह ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर पारित होने वाले कानून है। क्लियर है ये, है ना। तो एग्जाम्पल लिख लो आप, एग्जाम्पल में भी हमने कई सुने हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हैबियस कॉर्पस, सुना क्या, हैबियस कॉर्पस एक्ट, हैबियस कॉर्पस अधिनियम, ठीक है, 1679, तो पहला लिख लो आप चाहो तो, ठीक है। एक तो ये क्या है, ये एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, पहला मैंने बताया आपको हैबियस कॉर्पस एक्ट लिख लो, फिर दूसरा लिख लो आप, हाँ इस पे लिखना है 1679 पे है, ठीक है, दूसरा लिख लीजिए आप लोग स्टेच्यू ऑफ वेस्ट मिनिस्टर, स्टेच्यू ऑफ वेस्ट मिनिस्टर, ठीक है, हिंदी में भी स्टेच्यू ऑफ वेस्ट मिनिस्टर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। एक वेस्ट मिनिस्टर मॉडल सुना होगा आपने, वो यहीं से ही आया है, स्टेच्यू ऑफ वेस्ट मिनिस्टर, ठीक है। ये 1931 का है, 1931 का है, वेस्ट मिनिस्टर,
कब का है ये? 19th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत फेमस है, वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं उसको, वेस्टमिंस्टर, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो यही वेस्टमिंस्टर भी चल रहा है ब्रिटेन में, 1931 का, ठीक है। फिर लिखिए नेक्स्ट, मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट, मिनिस्टर ऑफ क्राउन अधिनियम 1937, तो फिर क्या है? क्लियर है ये? 1937। फिर लिखिए, ये तो हमारे यहां भी बहुत फेमस है, ठीक है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1948, ये तो सुना होगा आपने, जनप्रतिनिधि कानून सुना है क्या, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीआरए भी कहते हैं इसको, सुना होगा आपने, आरपीए भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहते हैं हमारे यहां, लेकिन अपन इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, जैसा उस पे है वैसे ही लिखेंगे। ये आया था 1948 में, ठीक है, 1948 में, क्लियर है ये? ये बिल्कुल बेंचमार्क है सबके, ये वेस्टमिंस्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन का पूरा जो सिस्टम हम देखते हैं वो यही वेस्टमिंस्टर से ही देखते हैं, ठीक है, सुना है क्या वेस्टमिंस्टर मॉडल? नहीं सुना है? अब देखते, आप सुनना, आप वेस्टमिंस्टर मॉडल, जो ब्रिटेन का पूरा मॉडल है ना वो वेस्टमिंस्टर मॉडल कहलाता है, ठीक है, जो पूरी व्यवस्था है वो वेस्टमिंस्टर कहलाती है। मैं आपको बताऊं, ब्रिटेन का ये समझना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, ये वैसे ही है जैसे मैंने बताया ना, आप आपको हिंदू धर्म के बारे में जानना है, ठीक है, तो फिर वो वैसा नहीं कि जाओ गीता पढ़ लो आपको सब पता चल जाएगा, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है, वैसे ही यहां पे भी है, जहां पे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता है वहां पे क्या होते हैं, कई सोर्सेस हो जाते हैं, ठीक है, और फिर जब कई सोर्सेस हो जाते हैं तो कन्वेंशन, परंपराएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं बजाय लिखित स्वरूप के, इसलिए डॉक्यूमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाती हैं, कन्वेंशंस, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट लिखिए कॉमन लॉ, डी लिखिए कॉमन लॉ, सामान्य कानून, कॉमन लॉ, सामान्य कानून, तो ये देखिए, इट इज अ बॉडी मेड बाय, या इट इज अ बॉडी ऑफ जज मेड लॉस, इट इज अ बॉडी ऑफ जज मेड लॉस, ठीक है, हिंदी में लिखिए, यह है न्यायाधीशों द्वारा बनाए गए कानूनों की व्यवस्था है, यह न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानूनों की व्यवस्था है, तो मतलब इनको किसने बनाया है, जजेस ने, जजेस ने इंटरप्रेट किया कोई कानून तो ये नए कानून बन गए, ठीक है, मेरा समझ में आ रही है, जज ने ये, मैं ये नहीं बोलो कि जजों ने संविधान को इंटरप्रेट किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं एक प्रैक्टिकली, ठीक है, इन्होंने किसी कानून को इंटरप्रेट किया और उसको कुछ भी पार्लियामेंट ने उसको कहा कि ठीक है एक्सेप्टेड, तो ये क्या होगा, एक नए फॉर्मेट डेवलप होगा। आगे लिखिए, दे आर एक्सेप्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय जुडिशियल कोर्ट, दे आर एक्सेप्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय जुडिशियल कोर्ट, यह न्यायालय द्वारा मान्य एवं लागू किए गए हैं, यह न्यायालय द्वारा मान्य एवं लागू किए गए हैं, ठीक है, तो इन्हें किसने बनाया है, तो मेड बाय जजेस, ठीक है, इस पे तो सिंपल है, वही हमारे यहां जैसे इंटरप्रिटेशन होता है ना। अब अगली चीज और इंटरेस्टिंग है इस पे, ठीक है, ई लिखो आप, ई, लीगल कॉमेंट्रीज, कानूनी टिप्पणियां, ई क्या है, लीगल कॉमेंट्रीज, कानूनी टिप्पणियां, ठीक है,
जैसे बहुत सारी कानून टिप्पणियां हमने सुनी होगी, ए वाइट आई सी की कानूनी टिप्पणियां सुनी कि सुने, ठीक है, आपने सुना होगा कि ए वाइट आई सी ने कहा है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संयुक्त रूप से जवाबदेह होते हैं, कौन, मंत्रिपरिषद, ऐसी है, ठीक है, साथ में तैरते हैं और साथ में डूबते हैं। या पढ़ोगे वाइट आई सी के कमेंट, पढ़ोगे आप बुक, पढ़ोगे पढ़ोगे तो पढ़ पाओगे, ठीक है ना, तो कमेंट्रीज आपको दिखेंगे बहुत सारी। एक व्यक्ति का मैंने बता दिया, और भी है लेकिन एक तो कम से कम पता ही होगा आपको, तो लिखिए, दीज आर कमेंट्रीज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दीज आर कमेंट्रीज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लिखे, यह है संविधान विशेषज्ञों द्वारा, यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा संविधानिक कानूनों पर की गई टिप्पणियां हैं, संविधानिक कानूनों पर की गई टिप्पणियां हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको बुक के नाम बता देता हूं, किताबों के नाम, ठीक है, इनकेस ये किताब किसने लिखी है तो हो सकता आ जाए, ठीक है ना, तो लिख लो आप किताब के हिसाब से लिखना, जैसे लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब ही है, ये किताब है जिसमें इन्होंने टिप्पणियां लिखी हैं, किसके बारे में, ब्रिटेन के संविधान के बारे में, तो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने लिखी है, ए वाई डाइसी ने, ठीक है, ये पहले तो लिख दूं मैं, बाय दी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तो एक क्या है, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब है, इसका नाम ही किताब का नाम ही है, किताब के अंदर टिप्पणियां लिखी है, ठीक है, तो क्या है ये किताब, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, किसने लिखा है ये, याद रखना ए वाई डाइसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये याद रखना, स्टार मार्क कर देना ए वाई डाइसी को, ठीक है। दूसरा लिखिए आप इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यही लिखना हिंदी में भी, क्योंकि किताब का नाम है ये, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन बाय बैगहॉट, बाय बैगहॉट, बैगहॉट, ठीक है, बाय बैगहॉट, ये नाम है, लिख लिया, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, बैगहॉट ने, ठीक है। फिर लिखिए तीसरा, कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड, कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड बाय ब्लैकस्टोन, कमेंट्रीज, इन्होंने तो लिख ही दिया, नाम ही लिख दिया, कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड, कमेंट्रीज द लॉ ऑफ बाय, आसान नाम है, ब्लैकस्टोन, ठीक है। तो ए वाई डाइसी ने क्या लिखा था, ए वाई डाइसी ने क्या लिखा था, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नाम ही लिख दिया इन्होंने, देखो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, ए वाई डाइसी ने, ठीक है। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, बैगहॉट ने, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा इन जनरल, ठीक है, क्योंकि मेंस तक याद रखना बहुत मुश्किल है इसको, है ना, जब हम मेंस लिखने जाएंगे तो हमारे सामने समस्या है, एक बार जाएगी तब हमें ये पॉइंट याद रह जाएंगे, इसके अंदर के शायद ना याद रह पाए, ले डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी की सारी कहानी है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन पे, है कि नहीं है।